आज के इस खास वीडियो में हम एक ऐसे एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें 16 की उम्र में ही शराब की लत लग गई थी, जिनके काफी लोगों के साथ अफेयर्स रहे हैं और उन लोगों में उसका सगा बाप भी शामिल था। और उस बाप ने अपने रिलेशन को बचाए रखने के कारण दूसरे लोगों से अपने बेटी के रिश्ते तुड़वाए। एक ऐसी एक्ट्रेस जिनकी पूरी लाइफ विवादों में घिरी रही है और वह एक्ट्रेस हैं पूजा भट्ट। पूजा भट्ट को कोई उनकी एक्टिंग के लिए नहीं जानता, बस उनकी कंट्रोवर्सीज के लिए जानते हैं। दोस्तों, पूजा का जन्म 24 फरवरी 1972 को मुंबई में हुआ था। पूजा के पिता इंडस्ट्री के एक जाने माने फिल्म मेकर हैं जिनका नाम है महेश भट्ट। पूजा का एक सगा भाई भी है जिसका नाम है राहुल भट्ट। फिल्म मेकर धर्मेश दर्शन, सुनील दर्शन, मिलन लुथरिया, मोहित सूरी, इमरान हाशमी, उदिता गोस्वामी पूजा भट्ट के रिलेटिव्स हैं। पूजा भट्ट की अगर पढ़ाई की बात की जाए तो उन्होंने कुछ खास पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि जिस समय उनकी पढ़ाई की उम्र थी उस समय उसके माता पिता का डिवोर्स हो गया था और पूजा भट्ट अपने छोटे भाई के साथ अपनी माँ के साथ रहा करती थी, जबकि उसकी माँ महेश भट्ट से अलग होने के कारण बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक पूजा भट्ट ने 16 साल की उम्र में ही शराब पीना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उन्हें शराब की ऐसी लत लगी कि वो इसकी आदत हो गई। बाद में इन्हें एहसास होने लगा था कि शराब छोड़ देना चाहिए वरना वो ज्यादा दिन नहीं जिएंगे। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वह अब मरने की कगार पर है। पूजा भट्ट दोस्तों शुरू से ही एक्टिंग के फील्ड में जाना चाहती थी और यही वजह था कि 12 साल की उम्र में ही पूजा भट्ट महेश भट्ट के साथ में फिल्म के सेट पर रेगुलर जाने लगी थी। पूजा जब 17 साल की हुई तो महेश भट्ट ने इसे फिल्म डैडी से लॉन्च किया। फिल्म में पूजा भट्ट की काम की तारीफ हुई। इसके बाद 1991 में दिल है कि मानता नहीं में पूजा भट्ट को फिर से बड़े लेवल पर लॉन्च किया गया। आमिर खान के साथ में यह एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इनके अफेयर्स की बात की जाए तो पूजा का पहला अफेयर शुरू हुआ था राहुल रॉय के साथ में, जिनके साथ में पूजा ने एक फिल्म की थी जिस फिल्म का नाम था फिर तेरी कहानी याद आए। राहुल रॉय उस समय एक नया स्टार बना था, लड़कियों का उन पर क्रश था और यही वजह था कि पूजा भी राहुल रॉय के प्यार में पागल हो गई थी। महेश भट्ट को जब इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चला तो कहा जाता है कि महेश भट्ट ने पूजा पर पाबंदी लगानी शुरू कर दी। लेकिन पूजा पर पाबंदी के बाद भी जब पूजा और राहुल रॉय का रिश्ता टूटा नहीं तो महेश भट्ट ने अपने पावर का इस्तेमाल करके राहुल रॉय का करियर बर्बाद कर दिया। इधर राहुल रॉय का करियर ढलान पर आया तो उधर पूजा भट्ट ने उससे अपना रिश्ता ही खत्म कर दिया। राहुल रॉय से रिश्ता टूटने के बाद पूजा की नजदीकियों की चर्चा मिथुन चक्रवर्ती के साथ हुई। दरअसल मिथुन दा और पूजा भट्ट ने एक फिल्म में साथ काम किया था। फिल्म का नाम था तड़ी पार। इसी फिल्म के दौरान मिथुन और पूजा के बीच अफेयर की चर्चा होने लग गई थी। हालांकि मिथुन दा उस समय शादीशुदा थे और महेश भट्ट इसी बात का फायदा उठाकर इन दोनों का रिश्ता भी तोड़वा दिया। दरअसल महेश भट्ट को जब पता चला कि मिथुन दा और पूजा के बीच में कुछ खिचड़ी पक रही है तो महेश ने मिथुन दा की वाइफ योगिता बाली से गुपचुप मुलाकात की और उसे मिथुन और पूजा के रिश्ते के बारे में बता दिया। इसके बाद मिथुन की वाइफ ने मिथुन से पूजा से रिश्ता तोड़ने को कहा। फिर पूजा का मिथुन संग रिश्ता टूट गया। महेश भट्ट कभी चाहता ही नहीं था कि उसकी बेटी का रिश्ता किसी और के साथ में रहे, इसलिए जब भी पूजा किसी से रिश्ता बनाती तो महेश भट्ट टिकड़मबाजी करके दोनों का रिश्ता तुड़वा देता। मिथुन दास से रिश्ता टूटने के बाद पूजा की लाइफ में आया आदित्य पंचोली। आदित्य पंचोली के साथ पूजा की लव लाइफ उस दौर में काफी ज्यादा चर्चाओं में रही थी, लेकिन उसके बाद पूजा के साथ एक ऐसा विवाद जुड़ा कि पूरे देश में हंगामा मच गया। स्टारडस्ट मैगजीन के लिए पूजा भट्ट और महेश भट्ट ने एक लिप लॉक किसिंग सीन दिया। ये किस आज तक का सबसे ज्यादा घटिया किस माना जाता है, क्योंकि ये किस एक बाप और बेटी के बीच में हुआ था। इस किस के बाद सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हाहाकार मच गया था। लोग महेश भट्ट और पूजा भट्ट की आलोचना करने लगे थे, लेकिन दूसरी तरफ महेश और पूजा को इन सब से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। उल्टा एक बार जब मीडिया ने महेश भट्ट से इस किस के बारे में पूछा तो बेशर्मी से महेश भट्ट ने जवाब दिया कि इस किस में बुराई क्या थी। महेश भट्ट ने आगे कहा कि पूजा अगर उसकी बेटी न होती तो वो उससे शादी तक कर लेता। इसके कई साल के बाद तक मीडिया में यही चर्चा होती थी कि पूजा भट्ट महेश भट्ट के साथ रिलेशनशिप में है। एक बाप और एक बेटी एक दूसरे के साथ में रिलेशन में थे और किसी ने भी इन दोनों के खिलाफ ना आवाज उठाई और ना बॉलीवुड वालों ने इन्हें बायकॉट किया। उल्टा महेश और पूजा भट्ट को इंडस्ट्री में आज भी इज्जतदार लोगों में गिना जाता है।
इसके कई साल के बाद पूजा का नाम जुड़ा बॉबी देओल के साथ। बॉबी और पूजा साथ में कई फिल्मी पार्टीज में दिखाई देने लगे थे, कई इवेंट्स में दिखाई देने लगे थे। कहा तो ये भी जाता था कि पूजा बॉबी देओल के साथ में शादी करना चाहती थी, लेकिन उस समय बॉबी देओल की किस्मत अच्छी थी जो उसने अपना सारा ध्यान पूजा से हटाकर अपने करियर पर दिया, क्योंकि उस समय बॉबी देओल का करियर अच्छा चल रहा था। बॉबी देओल की तरफ से ज्यादा टेंशन ना मिलती देख पूजा भी इस रिश्ते से पीछे हटती चली गई और इस तरह दोनों का रिश्ता टूट गया। बात अगर पूजा के करियर की जाए तो पूजा ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में दी। सड़क, जानम, जुनून, सर, चाहत, ये कुछ ऐसी फिल्में थी जो पूजा की एक्टिंग के लिए आज भी जानी जाती है। महेश भट्ट ने पूजा को अपनी बेटी नहीं अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया था। पूजा सिर्फ उन्हीं फिल्मों में काम किया करती थी जिसे महेश भट्ट बनाता था या जिसमें महेश भट्ट प्रोड्यूसर होता था या फिर डायरेक्टर होता था। हालांकि कुछ फिल्में पूजा ने बाहर के बैनर से भी की है, लेकिन अपने पूरे करियर में 90% फिल्में उसने अपने पिता महेश भट्ट की ही की। 1997-98 के बाद पूजा का करियर ढलान पर जाने लगा था। 98 में कभी ना कभी, अंगारे और जख्म जैसी फिल्में तो दी, लेकिन सारी की सारी फिल्में फ्लॉप साबित हुई। इसमें जख्म मूवी थी जो थोड़ी हिट थी, लेकिन उसमें पूजा का सपोर्टिंग रोल था और बहुत छोटा सा रोल था। दोस्तों, बॉबी देओल के बाद पूजा का नाम जुड़ा रणबीर शौरी के साथ में। पूजा और रणबीर का रिलेशन कई सालों तक चला था, लेकिन इन दोनों के रिलेशन में सबसे ज्यादा चर्चा प्यार की नहीं बल्कि लड़ाई झगड़े की होती थी। इस रिश्ते का एंड भी बहुत ज्यादा विवादों में रहा था। दरअसल पूजा ने अपने ब्रेकअप के दौरान रणवीर शौरी पर आरोप लगाया था कि रणवीर शराब पीकर उसकी पिटाई किया करता था। दूसरी तरफ रणवीर ने पूजा पर आरोप लगाया था कि पूजा उसे धमकियां देती थी और अंडरवर्ल्ड के नाम से डराती थी। इन दोनों की लड़ाई और ब्रेकअप उस दौरान मीडिया की सुर्खियों में बना रहता था। रणवीर से ब्रेकअप के बाद पूजा की लाइफ में आया फरदीन खान। फरदीन खान उन दिनों काफी ज्यादा चर्चाओं में रहता था। इसके साथ ही उसका जो करियर था वो ठीक ठाक चल रहा था। दोनों का नाम लगभग 2 सालों तक चर्चाओं में रहा, लेकिन 2 साल के बाद में इन दोनों का रिश्ता भी बिना किसी विवाद के खत्म हो गया। 2002-2003 तक पूजा का एक्टिंग करियर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। पूजा ने 98 में जख्म मूवी में आखिरी बार काम किया था। इसके बाद 2003 में पूजा पहली बार डायरेक्टर बनी। फिल्म का नाम था पाप। फिल्म फ्लॉप हो गई और एज अ डायरेक्टर भी पूजा नहीं चल पाई। वैसे 97 से पूजा ने प्रोडक्शन में भी अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया था। एज ए प्रोड्यूसर पूजा की पहली फिल्म थी तमन्ना, जिसमें एक्टिंग भी इन्होंने खुद की थी। फरदीन खान के बाद पूजा की जिंदगी में एंट्री हुई मनीष माखीजा की। मनीष एक वीजे और रेस्टोरेंट का मालिक है। पूजा और मनीष की मुलाकात हुई और 2 महीने के प्यार में ही दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। फाइनली 2003 में पूजा और मनीष ने शादी कर ली। 2003 में दोनों ने शादी की और 2014 में दोनों का तलाक हो गया। यानी 11 साल के बाद पूजा अपने पति से अलग हो गई। 11 साल के बाद पूजा और मनीष अलग हुए तब दोनों की कोई संतान नहीं हुई थी। पूजा ने शादी टूटने का मीडिया में सटीक वजह तो कभी नहीं बताया, लेकिन बीच बीच में वो ट्विटर पर इशारा जरूर किया करती थी। पूजा शादी के बंधन में बंध कर नहीं रहना चाहती थी। पूजा ने शादी टूटने के कुछ दिन के बाद एक ट्वीट किया था जिसमें पूजा ने लिखा था कि अब वो जिंदगी खुलकर अपने शर्तों के आधार पर जी सकती हैं। अब उसे दूसरों के शर्तों पर जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है। इस ट्वीट को महेश भट्ट ने रीट्वीट किया और साथ में वेल्डन लिखा। उस समय भी लोगों ने महेश भट्ट को काफी ज्यादा ट्रोल किया था कि किस तरह का बाप है जो अपनी बेटी की शादी टूटने पर वेल्डन लिख रहा है। पूजा ने अपने पूरे करियर में सिर्फ 30 फिल्मों में एक्टिंग की है, जिसमें कि लगभग 24 फिल्में खुद महेश भट्ट के बैनर की फिल्में थी। यानी पूजा के करियर में 6 या 7 फिल्में ही ऐसी थी जो बाहर की बैनर की फिल्में थी। शादी के बाद पूजा भट्ट का नाम सोहेल खान के साथ में जुड़ चुका था। हालांकि सोहेल खान के साथ पूजा का फेयर बहुत ज्यादा लंबा नहीं चला था। पूजा और सोहेल का रिश्ता उसी तरह खामोशी में खत्म हो गया जिस तरह शुरू हुआ था। पूजा का अगर पूरे करियर की बात की जाए तो पूजा का करियर सिर्फ विवादों में ही गुजरा है। महेश भट्ट ने जिस तरह पूजा के करियर को सिर्फ अपने बैनर तक सीमित कर दिया था, उससे कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि महेश भट्ट पूजा पर एक बेटी से अलग भी अपना हक जताता था। महेश भट्ट जिस तरह शुरू में पूजा भट्ट के रिलेशन को तोड़वाया, वो भी काफी हैरान करने वाला था।
महेश भट्ट और पूजा का रिश्ता हमेशा शक के घेरे में रहा है। और उससे भी हैरानी वाली बात यह है कि दोनों बाप बेटी ने लोगों के इस गलत फहमी को दूर करने की कभी भी कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वो दोनों जानते हैं कि ये अफवाह नहीं बल्कि सच्चाई है। वैसे खुद महेश भट्ट भी यही चाहते थे कि दोनों बाप बेटी का जो नाजायज रिश्ता है वो दुनिया के नजरों में आए। यही वजह था कि दोनों बाप बेटी ने मैगजीन के लिए किसिंग पोज दिए। और यहाँ पर सिर्फ महेश भट्ट को गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक इंसान के दिल दिमाग में अगर गंदे विचार आ भी रहे हों तो दूसरा उसे रोक सकता है, दूसरा उसे समझा सकता है। लेकिन पूजा ने अपने पिता के गंदे विचारों में न सिर्फ साथ दिया बल्कि गंदे और बेशर्मी वाले रिश्ते को जन्म दिया। लाखों करोड़ों लोग भी आज इन्हें अपना आइडियल मानते हैं, इन्हें सोशल मीडिया में फॉलो करते हैं। खैर, अभी के लिए बस इतना है। जय हिंद।